शिल्पा शेट्टी की बहन और एक्ट्रेस सुनीता शेट्टी ने अपना 41वां जन्मदिन थाईलैंड के फुकेट में मनाया, जहां शिल्पा शेट्टी समेत उनके कई दोस्त भी मौजूद थे। बता दें कि सुमिता ने बॉलीवुड में फिल्म मोहब्बतों से एंट्री की थी। फिल्मों के अलावा वो बिग बॉस में कई रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में प्रोफेसर अनंत तेलतुंबड़े को गिरफ्तार किया गया। पुणे पुलिस ने तेलतुंबड़े को मुंबई से गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनंत तेलतुंबड़े के प्रतिबंधित सीपीआई नक्सलियों से लिंक होने के शक पर गिरफ्तार किया है। पुणे पुलिस ने शनिवार तड़के लगभग 4 बजे मुंबई के हवाई अड्डे से उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीने पहले पुणे पुलिस ने तेलतुंबड़े के गोवा वाले घर पर भी छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले थे, जिनमें आनंद का लैपटॉप भी शामिल है। बता दें कि 1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में भड़की हिंसा के मामले में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े को पुणे पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही हैं। दुर्गापुर में पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यहां की जनता ममता सरकार को हटा कर रहेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी धरती के रतन थे, उन्हीं के विचारों ने ही भाजपा को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, आज ही कई योजनाओं की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी की रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। रैली में उपस्थित भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मुझे समझ आ रहा है कि ममता बनर्जी हिंसा पर क्यों उतर आई हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रति बंगाल की जनता के प्यार से डरकर लोकतंत्र के बचाव का नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री की रैली में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि जब पीएम भाषण दे रहे थे तब लोगों के बीच धक्का मुक्की जैसी स्थिति पैदा हो गई। इसे देखकर पीएम मोदी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के उत्साह के आगे जगह कम पड़ गई है। जिला जालंधर के गुराय शहर में रहने वाली एक महिला कांस्टेबल जो कि जालंधर के एक थाने में तैनात है, ने जालंधर में के रहने वाले एक युवक जिसने कि उसे फौजी सिपाही होने का दावा किया पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने और 12 लाख रुपए की ठगी मारने का आरोप लगाया है। जालंधर देहाती के थाना गुराया की पुलिस को दिए गए बयान में गुराया की रहने वाली महिला कांस्टेबल पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ वर्ष पहले उसकी मुलाकात मनदीप कुमार पुत्र प्रदीप कुमार वासी पीएनटी कॉलोनी नजदीक शास्त्री मार्केट के साथ हुई, जो कि उसे कहता था कि वो भारतीय फौज में सिपाही है। विवाह की बात करने के बाद मनदीप कुमार धीरे धीरे उससे पैसे ऐंठने लगा और एक दिन उसे हिमाचल प्रदेश के एक धार्मिक स्थान पर माथा टेकने के लिए ले गया, जहां पर उसने बहाने से किसी नशीली चीज का सेवन करवा कर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली और उसके साथ बलात्कार भी किया। पुलिस ने महिला कांस्टेबल के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। जालंधर के सिविल हॉस्पिटल में 29 जनवरी से इलाज करवा रहे टावर इनक्लेव के निवासी टोबियास की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। स्वाइन फ्लू को लेकर जिले के सिविल हॉस्पिटल में किस तरह के मरीजों का इलाज हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। आइसोलेशन वार्ड में कोई भी खुलेआम आ जा सकता है। सिविल हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू के मरीज को दवा या टीका लगाने के लिए मास्क और विशेष ड्रेस पहननी पड़ती है ताकि इन्फेक्शन ना हो, लेकिन जालंधर के सिविल हॉस्पिटल में मरीजों के परिजनों का आरोप फिर लगाया गया है कि मरीजों के इलाज में किसी तरह की एहतियात नहीं बरती जा रही और स्वाइन फ्लू के वार्ड को कैदियों का वार्ड बना दिया गया है और इस वार्ड में गंदगी का आलम है। मरीजों के परिजनों अनुसार सरकार द्वारा 8 बीमारियों का इलाज सिविल हॉस्पिटल में किया जा सकता है, जिसके कारण वो मजबूरी में यहां आए हैं। कपूरथला के फगवाड़ा इलाके में पड़ते राधे राधे रेस्टोरेंट में कल रात करीब 12 बजे कुछ अज्ञात व्यक्ति ने रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड का कत्ल कर दिया। मृतक की पहचान अवतार सिंह निवासी कुक्कड़ गांव जालंधर के रूप में हुई है। रात को उसके साथ रेस्टोरेंट में रुके रेस्टोरेंट के एक और मुलाजिम ने बताया कि करीब 12 बजे सारे व्यक्ति खाना खा चुके थे। जब अवतार सिंह खाना खाने लगे उसी समय रेस्टोरेंट में करीब 5 लोग दाखिल हुए और अवतार सिंह पर कतलाना हमला कर दिया।
मौके पर मौजूद रेस्टोरेंट के मुलाजिम ने बताया कि उन लोगों ने रेस्टोरेंट में तलाशी भी ली ताकि अगर कोई वहां पर और भी है तो उसे भी खत्म किया जाए, पर उस समय बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई।